बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हजरात, आपने गजलें भी सुनी, गीत भी सुने और वो भी सुना जो शायद आपके मुकद्दर में लिखा था, वो भी सुना जो आपके मुकद्दर में लिखा था। बहरहाल मैं अपनी बात ही एक बहुत ही छोटी सी नज्म से शुरू करना चाहता हूँ। इंदिरा जी की याद में ये कवि संबंध मुशायरा है और मौजम साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो मैंने पिछले मुशायरे में आपसे, आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं मौजम साहब? मुझे मालूम है चलो जग रहे हैं कि सो रहे हैं। अब मौजम साहब सो गए तो आप सोचिए हम लोग किस मुसीबत से गुजर से आए हैं। तो बहरहाल मैंने पिछली बार कहा था आपसे कि सुनिए जो आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं उस जमाने में, आप जानते हैं ना कि एक आदमी बोलता है तो दूसरा चुप रहता आवाज आ जाती है। बहरहाल तो आप देख लीजिए कि अभी आपके मेहमान यहाँ तशरीफ रखते हैं और मेरा ख्याल ये है कि ये इनकी वो तरबियत है जो राजस्थान ही से मुमकिन है। वाह वाह वाह। मैं बहुत छोटी सी एक नज़्म से आगाज करता हूँ, बिल्कुल आपका बहुत कम वक्त लूंगा मैं समझ रहा हूँ और थक मैं भी उतना ही गया हूँ जितना आपसे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आप कई तरह से हाथ पांव हिला सकते हैं। आप सिर्फ तवज्जो दें और मैं अब ये देखता हूँ कि जिगर साहब कहते थे कि अच्छा शायर सामईन का इम्तिहान लेता है लेकिन बुरा शायर वो होता है जिसका शेर सामईन से इम्तिहान लेता है। तो मैं बुरे शायरों में शामिल हूँ। बहरहाल आप मुलाहिज़ा करें, बहुत मुख्तसर सी नज़्म है। सर आदमी जब मैं लफ्ज बोलता है तो उसका पूरा ईगो, उसकी पूरी अस्मिता, उसका पूरा वजूद बोलता मैं। आप कभी बोलते हैं तो ध्यान में रखेंगे, हर्फ एक तुम भी हो। बहुत छोटी सी नज्म है, आपकी तवज्जो चाहिए बस। हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूं। हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं, एक हर्फ मैं भी हूं। लफ्ज क्यों ना हो जाए। हर्फ एक तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूं, लफ्ज क्यों ना हो जाए। एक नज्म और सुन ले और आपको मुबारकबाद कि आप बहुत सी अच्छी, दोनों को मुबारकबाद। तीसरे चले गए कि आप, आपको खुश होना चाहिए कि क्या क्या हो गया आज शाम को। आप इस हसन साहब ने कहा था कि गजल की जबान इशारे का, मैं तो मानता हूँ सारे फनून ही इशारे का आर्ट है। आर्ट पूरी इशारा है अगर आप समझें तो। देखें एक के बाहर में फूल खिजा में पत्ते, बाहर में फूल खिजा में पत्ते, मौसम कोई भी हो पेड़ को तो कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। बाहर में फूल, बाहर में फूल, बाहर में फूल खिजा में पत्ते, मौसम कोई भी हो पेड़ को तो कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। एक छोटी ज्यादा एक छोटी सी नज़्म और सुन लें, जरा दूसरे मूड की है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, बस इसी तवज्जो सुनिए। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तलक वो देख न ले, जब तलक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। बहुत अच्छे, वाह। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, क्या कहें। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। जब तलक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। ये गजल का मतलब मुलाहजा करें कि अब कोई दोस्त नया क्या करना, अब कोई दोस्त नया क्या करना, भर गया जख्म हरा क्या करना। क्या बात है बाबा, क्या कह रहे सर।
कोई दोस्त आपकी नजर कर रहा हूँ जनाब, अब कोई दोस्त नया अब कोई दोस्त नया क्या करना, भर गया जख्म हरा क्या करना, उससे अब जिक्र वफा क्या करना, उससे अब जिक्र वफा क्या करना, हौसला हार गया क्या करना उससे अब। अब ये शेर सुन ले जिसके लिए मैं जब जहमत दी आपको, ये हमारा पूरा ट्रेडिशन, और देखिए कि इशारा अब तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं, जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं उसके हाथों का लिखा क्या करना, जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं उसके हाथों का लिखा क्या करना, जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं। और एक गजल के दो दो तीन तीन शेर आपकी खिदमत पेश करके इजाजत चाहूंगा। वो कहाँ चश्मे तर में रहते हैं, वो कहाँ चश्मे तर में रहते हैं, ख्वाब खुशबू के घर में रहते हैं, ख्वाब खुशबू के घर में रहते हैं। और ये शेर सुने के अक्स हैं उनके आसमानों पर, अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं, अक्स हैं उनके आसमानों पर, उनके आसमानों पर क्या लहजा है सर, अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे बहुत अच्छे रहते हैं। और ये शेर आपके हवाले मुलाजा करें सभी, मुलाजा कीजिए शेर के, अक्स हैं उनके आसमानों पर, क्या कहने अक्स हैं क्या उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में, रहते हैं। और मुल्क का हाल आके हमसे पूछ, मुल्क का हाल आके हमसे, वो तो अक्सर सफर में रहते हैं, मुल्क का हाल आके हमसे पूछ, मुल्क का हाल आके हमसे पूछ, वो तो अक्सर सफर में रहते हैं। आप दो तीन शेर और देख लीजिए, और फिर मुल्क का हाल आके हमसे पूछ जी, अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं, आसमानों पर जिंदाबाद सर, जिंदाबाद सर, बाबा बाबा में रहते हैं। और मुल्क का हाल आके हमसे पूछ, वो तो अक्सर सफर में रहते हैं। और ये मतलब फिर देख लीजिए कि मंजिलों का निशान कब देगा, मंजिलों का निशान कब देगा, मेरे हक में बयान कब देगा, मेरे हक में। और ये शेर देख लें कि जुल्म तो बेजबान है लेकिन, जुल्म तो बेजबान है लेकिन, जख्म को तू जबान कब देगा, जुल्म तो बेजबान है लेकिन, जख्म को तू जबान कब देगा। और ये शेर मुलाहिज़ा करें कि जुल्म तो बेजबान है लेकिन, जख्म को तू जबान कब देगा, मुझको जंगल दिया है जीने को, मुझको जंगल दिया है जीने को, बुजदिलों को मचान कब देगा, मुझको जंगल दिया है जीने को, बुजदिलों को मचान कब देगा। और ये आखिर में दो तीन शेर मुलाहिज़ा कर लें फिर, भूल गए याद हो तो बता दो, आपने सुना है याद ही आपको तो ये देखें मतलब देख लें कि बेखबर की कहीं खबर रख दे, बेखबर की कहीं खबर रख दे, हासिले जहमते सफर रख, हासिले जहमते सफर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे। और ये आप ही के हवाले से आप सभी के, और देखिए क्या विकास के नाम पर 100 साल का पेड़ करता है और 2 इंच का पौधा लगा देते हैं। राह में चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे। और घर शजर में समर नहीं मुमकिन, घर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे, बहुत अच्छे, उसमें साया ही शाख भर रख दे। और ये शेर खास तौर से मुलाहिज़ा कीजिए, सुबह उठते ही अखबार खोलते हैं और क्या पढ़ते हैं कि कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही,
एक तो अच्छी सी खबर है, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और ये शेर देखें कि मंजिलें भर दे आंख में उसकी, मंजिलें भर दे आंख में उसकी, उसके पैरों में फिर सफर रख दे, उसके पैरों में फिर सफर रख दे। और ये शेर जो जिसकी तरफ अबरार साहब पहले सुना चुके, मेरे मुंह से सुन ले, शायद उतना अच्छा ना पढ़ सकूं, लेकिन बोला कि तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। क्या कहने सर, फिर दूसरी सुनेगा आज इंदिरा जी की याद में, एक गजल लंबी गजल है जो पहले आपको याद होगी, वन डुप्ले लेन में जब अशोक जी मुशायरे करते थे पार्लियामेंट एनेक्सी में, भी ये गजल पढ़ी थी मैंने, और ये सारी महरूमियों से जुड़ी हुई तीन शेर बर्दाश्त कर ली, फिर वसीम साहब को सुने और उन्हें सुना। मलाजा करें वो गुनगुना रास्ते ख्वाबों के क्या हुए, वो गुनगुनाते रास्ते, वो गुनगुनाते रास्ते ख्वाबों बाशिंदे क्या हुए, क्या कहने, क्या कहने, वीरान क्यों है बस्तियां, बाशिंदे क्या हुए, वो जात कहीं टीपी कहीं त्रिपुंड कहीं नमाज के गट्टे पड़े हुए, वो जागती जबी ने कहाँ जाके सो गई, वो जागती जबी ने कहाँ जाके सो गई, ते बदन जो सिमटते थे क्या हुए, वो बोलते बदन जो बहुत अच्छे बात खामोश क्यों हो, कोई तो बोलो जवाब दो, खामोश क्यों हो, खामोश क्यों हो, कोई तो बोलो जवाब दो, बस्ती में चार चांद से चेहरे थे क्या हुए। ये शेर देखे हम उससे बहुत लंबी गजल है, पर मैं दूसरे बस्ती में चार चांद हम से वो रत जगों की अदा कौन ले गया, हमसे वो रत जगों की अदा कौन ले गया, क्यों बुझ गए अलार, वो किससे क्या हुए, क्या कहने, क्या कहने,
क्यों बुझ गए अलग ऊंची मारते तो बड़ी शानदार है ऊंची मारते तो ऊंची मारते तो बड़ी शानदार है लेकिन यहाँ तो रैन बसे रहे थे क्या